यूनिस खान और मोहम्मद तनवीर के तजिए और तबसरे। तालियों में आज तजिया देने के लिए इंतखाब आलम साहब तशरीफ लाए और यूनुस भाई की तो यादें ताजा हो रही होंगी। 2009 का वर्ल्ड कप जो आपने जीता उसमें इंतखाब भाई वहां पे उस वक्त सारा सिलसिला हमारे कोच थे, कोच थे आप। आज अपनी जबरदस्त बॉलिंग की तरह ही जबरदस्त और दो टोक तजिए के लिए मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था इंडिया से, वो एज हमारे पास जो है साइकोलॉजिकली मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एज है। हां, वी हैव अ चांस। ऑन द डे आपके दो तीन प्लेयर्स की एक ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आती है, आप मैच ले जाते हैं। ये सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं है, ये प्रेशर का गेम है और दो नेशंस कल खेल रही है। हम लोग चैंपियन ट्रॉफी जीते, बहुत मजा आया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा प्रेशर ले जाते हैं, वो नहीं लेना है। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ आज मौजूद है शुआ भाई। तो प्रेडिक्शंस के हवाले से आपने देखा कल हर लम्हा पुरजोश में क्या क्या प्रेडिक्शंस की गई हैं। शुएब हमारे साथ यहाँ पर हैं। शुएब, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान जीते और इंशाल्लाह जीतेगा, लेकिन फिर भी आपको आप नर्वस हैं, डर लग रहा है आज के मैच से, क्या कहिएगा इसका? देखें, ख्वाहिश नहीं है, ये यकीन है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। ख्वाहिश वाले मामलात में थोड़े आप डाउटफुल होते हैं, जब आपको यकीन होता है तभी आप जाके मंजिल को पा लेते हैं और आज हमारे ग्रीन वाइज मंजिल पाएंगे। जिस तरीके से अगर आप पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर देखेंगे, बॉलिंग ऑर्डर देखेंगे, 90 नंबर तक पाकिस्तान के पास भरपूर बारी लेने वाले बैट्समैन हैं। 8 बॉलर्स के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं, मतलब अगर एक आधा बॉलर पिट भी गया तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे 4 ओवर पूरे ही कराएंगे कि जी आपके पास ओवर शॉट्स पड़ रहे हैं। तो बैटिंग पूरी, बॉलिंग पूरी, बस जो जान मारनी है आपको फील्डिंग में मारनी है। आपने आज कैच ड्रॉप नहीं करने, अगर आपने कैच ड्रॉप नहीं किए मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आज हिस्ट्री बदलेगा। यानी फील्डिंग पे आपने कोई मिसफील्डिंग नहीं करनी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। बस फील्डिंग ही है जो फर्क डाल रही है इस टाइम, वरना अगर उनके तगड़े बैट्समैन है तो हमारे भी हल्के नहीं है, उनके अच्छे बॉलर हैं तो हमारे भी बड़े खतरनाक बॉलर हैं, बस थोड़ा फील्डिंग पे हमें जान मारना होगा। अच्छा, बात हो रही है शाहीनों की और अब प्रेडिक्शंस की भी बात हो रही है, तो शेर के प्रेडिक्शन क्या है इस हवाले से अपने नाज़रीन को वो भी दिखाते हैं। कौन सी टीम जीतेगी? हमने प्रेडिक्ट कराने का फैसला किया कराची जू पहुँच कर और अब वो प्रेडिक्ट करेंगे कराची के जो वाइट लायन है फ्लैंडो। चलते हैं उनके पिंजरे में और देखते हैं वहाँ पे हमने क्या सेटअप लगाया है। रिलीज करेंगे और फिर वो जिस गोश्त को खाएगा उसको टीम को जो है वो फेवरेट करार देंगे। फ्लैंडो नामी वाइट लाइन ने बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फेवरेट करार दिया है। हम सबकी भी यही दुआ है कि इस मरतबा भारत को पाकिस्तान हराए और कामयाबी से अपने सफर का आगाज करे। चलें, इस शेर ने तो प्रिडिक्ट कर दिया कि पाकिस्तान फेवरेट टीम है, लेकिन पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के लिए जहां सभी पुरजोश हैं, बच्चे भी बेहद पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। नन्हे